जहां नर्मदा का मिलता आशीष विशेष है और भीमबेटका का इतिहास अभी भी शेष है। सांची का स्तूप भी है, खजुराहो के मंदिर भी हैं। भारत का दिल कहलाता तभी तो मध्य प्रदेश है। नमस्कार, मैं कृति सिंह भदौरिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। किसी देश या राज्य की भौगोलिक स्थिति उस स्थान की ऐतिहासिक घटनाओं और आर्थिक विकास के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है। भौगोलिक रूप से देश के केंद्रीय स्थान पर स्थित मध्य प्रदेश वास्तव में भारत के हृदय समान है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी अनोखी कला, संस्कृति और विविधता के लिए अलग पहचान रखता है। पानी की चादर, जल धाराओं के ताने बाने, चट्टानों के करघे के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के गठन की कथा बेहद रोचक है। प्राकृतिक संपदा से संपन्न मध्य प्रदेश में संपूर्ण भारत के दर्शन हो जाते हैं। आजादी के बाद सन 1947 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। आयोग के सामने तमाम तथ्य और सिफारिशों को रखने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में महाकौशल के नेताओं ने एक बैठक बुलाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि महाकौशल चंबल, विंध्य प्रदेश और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर एक ऐसा प्रदेश बनाया जाए जो उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य हो। 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार, मकाराई के राजसी राज्य और छत्तीसगढ़ मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तथा नागपुर को राजधानी बनाया गया। 34 महीनों तक इन सिफारिशों पर विचार हुआ और तब जाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्वरूप सामने आया, जिसकी नई राजधानी भोपाल को बनाया गया। शुरू में राज्य के 43 जिले थे, लेकिन 1972 में दो बड़े जिलों का बंटवारा हो गया। सीहोर से भोपाल और दुर्ग से राजनांदगांव अलग किया गया। तब जिलों की कुल संख्या 45 हो गई। 1998 में बड़े जिलों से 16 अधिक जिले बनाए गए और जिलों की संख्या 61 बन गई। नवंबर 2000 में राज्य का दक्षिण पूर्वी हिस्सा विभाजित कर छत्तीसगढ़ का नया राज्य बना। इस प्रकार वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना और जो 308 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश की संस्कृति विविध वर्णी है। यहाँ एक तरफ 5 लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार है तो दूसरी ओर अनेक जनजातियों की संस्कृति का दर्शन मिलता है। निमाड़ मध्य प्रदेश के पश्चिमी अंचल में स्थित है। निमाड़ के एक ओर विंध्य की उत्तुंग शैल श्रृंखला और दूसरी तरफ सतपुड़ा की 7 उपत्यकाएं हैं, जबकि मध्य में है नर्मदा की अजस्त्र जलधारा। मालवा महाकवि कालिदास की धरती है। यहाँ की धरती हरी भरी धन धान्य से भरपूर रही है। यहाँ के लोगों ने कभी भी अकाल को नहीं देखा। एक प्रचलित अवधारणा के अनुसार वह क्षेत्र जो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य प्लेटों की श्रेणियाँ, उत्तर पश्चिम में चंबल और दक्षिण पूर्व में पन्ना, आजमगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। बघेलखंड की धरती का संबंध अति प्राचीन संस्कृति से रहा है। यह भूभाग रामायण काल में कोसल प्रांत के अंतर्गत था। महाभारत के काल में विराट नगर बघेलखंड की भूमि पर था, जो आजकल सोहागपुर के नाम से जाना जाता है। भगवान राम की वनगमन यात्रा इसी क्षेत्र से हुई थी। जबलपुर संभाग का संपूर्ण हिस्सा महाकौशल कहलाता है। नर्मदा नदी किनारे बसा यह क्षेत्र सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धता में धनी है। मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र भारत का वह मध्य भाग है जहां भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियां घटित हुई हैं। इस क्षेत्र का सांस्कृतिक आर्थिक केंद्र ग्वालियर शहर है। 55 जिले और 10 संभाग वाले इस प्रदेश के पठारी हिस्से में बसे विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं इस प्रदेश को रमणीय बनाती हैं।
ये पर्वत श्रृंखलाएं कई नदियों के उद्गम स्थल को जन्म देती हैं। ताप्ती, नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, महानदी जो यहाँ से निकल भारत के कई प्रदेशों में बहती है। इस वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक देन की वजह से मध्य प्रदेश एक बेहद खूबसूरत हरा भरा हिस्सा बनकर उभरता है। यहाँ की शिल्प कला भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सांची स्तूप, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका गुफाएं, ओमकारेश्वर, पंचमढ़ी जैसे स्थल मध्य प्रदेश की शान में चार चांद लगा देते हैं। पंचमढ़ी की वादियों के बीच से गुजरते झरने, भेड़ाघाट धुआंधार की 98 फीट की ऊंचाई से गिरते झरने की खूबसूरती आंखों में बस जाती है। मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो कामुक और कामुक नक्काशी से सजे अपने आश्चर्यजनक मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ग्वालियर महलों और शानदार मंदिरों के लिए जाना जाता है जो इसके गौरवशाली अतीत को बयां करता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसे एशिया के सर्वश्रेष्ठ पार्कों में से एक माना गया है। पूर्व में रीवा के महाराजाओं की शिकारगाह रहा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ अभयारण्य के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित पवित्र शहर ओमकारेश्वर 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल की नगरी उज्जैन भी करोड़ों लोगों को आकर्षण का केंद्र बना लेती है। मध्य प्रदेश की विविध बोलियां, पहनावा, खान पान इसकी आत्मीय रहन सहन का सबूत है। विविध संस्कृतियों का समागम मध्य प्रदेश भारत देश की संपूर्ण संस्कृति का उदाहरण है। यहाँ की हरियाली, झरने, जीव जंतु, जनजातियां प्रदेश की शान है। मध्य प्रदेश सोयाबीन, चना, उड़द, तुअर, मसूर, अलसी के उत्पादन में प्रथम स्थान एवं मक्का, तिल, राम तिल, मूंग के उत्पादन में द्वितीय स्थान तथा गेहूं, ज्वार और जौ के उत्पादन के लिए देश में तृतीय स्थान पर है। कृषि समेत हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश प्रगतिशील प्रदेश है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लौटूंगी नई जानकारियों के साथ।